तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने आप प्रेजेंट ऑल न्यू टीवीएस की अपाची आरटीआर 162 वी का यहाँ पे टॉप मॉडल, और अभी फ्रेंड्स बाइक जो है वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे रेडी हो रही है। बाइक का जो है वो पीडीआई का प्रोसेस चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि पीडीआई प्रोसेस में क्या क्या यहाँ पे होता है और कंपनी यहाँ पे सीरीज आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है अगर आप भी बाइक जो है वो परचेस करने का प्लान बना रहे थे। तो आप आज के इस वीडियो को पूरा देख ले, आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगी किसी भी न्यू बाइक को अगर आप लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी भैया जो है वो यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ जो है वो प्रोसेस रहता है। और अगर आपको टीवीएस की कोई सी भी बाइक परचेस करनी है तो आप सीएल टीवीएस में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम गोडाउन पे ही है और लगभग सभी मॉडल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बाइक का जो है वो ओवरऑल में एक 360 वॉकराउंड कर ले कि कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कुछ जो है वो चेक हो चुका है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। उसके बाद आपका काम रहता है मीटर कंसोल वगैरह को चेक करना और लाइट्स वगैरह को चेक करना, जैसे इंडिकेटर्स वगैरह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, और हॉर्न वगैरह जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स इसका जो है वो काफी अच्छे ढंग से वर्क कर रहा है, एलईडी लाइट्स कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रेंड्स हैलोजन बल्ब में। और बाइक ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जो टॉप मॉडल है वो देखने में यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। अभी फिलहाल में ग्रे कलर में जो टॉप मॉडल है वो आ रहा है, तो अगर आप डिजाइन देखते हैं यहाँ से तो आपको येलो कलर में जो है वो ग्राफिक्स मिलता है और ओवरऑल में बाइक यहाँ पे काफी अच्छे डिजाइन में आपको मिल जाती है। ओपन चेन सिस्टम के साथ बाइक आती है। आप मीटर कंसोल यहाँ देख सकते हैं आपको फुली डिजिटल मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है, राइडिंग मोड्स आपको मिल जाता है और सभी स्विचेस वगैरह जो है वो अभी यहाँ पे चेक हो रहा है। तो स्विचेस वगैरह सब आप चेक कर ले कि अच्छे से वर्क करता है या फिर नहीं करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको मोड्स का जो बटन है वो इस साइड में यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स है, अर्बन है और रेन है, तीन राइडिंग मोड्स आपको मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ एक्सेसरीज की हम बात करते हैं तो भैया एक्सेसरीज क्या क्या मिलता है बाइक के साथ में वो थोड़ा बता दीजिएगा। सीट कवर और लेडीज फुटरेस्ट ये जो लगा हुआ है ना, और हाँ साड़ी गार्ड के साथ जो नीचे में लेडीज फुटरेस्ट लगा हुआ ये, और क्या क्या रहता है मड फ्लैप और इंडिकेटर बजर ये वाला जो है ये अलग से आता है क्या? तो इससे क्या है कि मतलब इंडिकेटर्स जो है वो मतलब जो साउंड आता है बीप बीप का वो आएगा, तो ये अलग से मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं बजर वगैरह जो है ये सब आपको लगा के यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप मिरर वगैरह आप देख पा रहे होंगे, लेग गार्ड भी साथ में आ जाता है, लेग गार्ड भी आपको मिल जाएगा और नीचे में इंजन काउल तो आपको खैर मिल ही रहा है। बाकी अगर हम अदर एसेसरीज की बात करते हैं तो और कुछ अलग से एसेसरीज आता है क्या, जैसे हैंड ग्रिप वगैरह हो गया या और कुछ? नहीं, तो वो सब यहाँ पे नहीं आता है। बाकी आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बजर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, रिले में लगाते हैं ना, रिले में। तो ये आप देख सकते हैं रिले में यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। और एक लगता है या दो लगता है? एक से मतलब ये चारों इंडिकेटर्स काम कर जाता है, तो एक इंडिकेटर मतलब एक से ही चारों आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे काम कर जाता है और आपको रिले में जो है वो इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं रिले यहाँ पे लगा हुआ है और ये जाएगा आपका टैंक के नीचे, तो अभी ये यहाँ पे लग गया है, अभी चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रहा है बजर जिसे हम बोलते हैं, तो हॉर्न वगैरह भी चेक हो गया है, बजर यहाँ पे अपना जो है वो काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक्सेसरीज जो है वो आपको मिल रहा है साथ में। बाकी आप फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो टायर्स वगैरह आप अच्छे से चेक कर लें, किलोमीटर वगैरह आप चेक कर लें, जैसे कि अभी अगर आपको हम दिखाना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं किलोमीटर। ऑडोमीटर में 0.6 किलोमीटर के अप्रोक्स में मतलब लगभग ना के बराबर ही बाइक जो है वो चली हुई है।